जय दोस्तों, उज्ज्वल परिवार फिर हाजिर है आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और दोस्तों, आज का जो सेशन है उस सेशन की अगर हम बात करें तो हर भारतीय को उस बात को सुनकर के गर्व महसूस करना चाहिए, गर्वित होना चाहिए। तो आज का जो सेशन रहने वाला दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप देख भी पा रहे होंगे, पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, G20 पूरे देश में ही ना केवल पूरे देश में बल्कि पूरी पृथ्वी पर G20 का झंडा लहराया जा रहा है। मैं बात करूं तो हर जगह जहां G20 का नाम है वहां भारत का नाम है। और अगर मैं ये कहूं कि पूरी दुनिया में आज सबसे महत्वपूर्ण जगह अगर कोई है तो ये आर्यवर्त, ये जम्मू द्वीप, ये भारत, ये इंडिया है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये भारत आज पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जगह बनी हुई है दोस्तों। ये आप लोग अच्छे से जान सकते हैं, जितनी भी न्यूज़पेपर वगैरह, जितना भी हर बच्चे बच्चे के जुबान पर है G20। और आज हमने G20 का नेतृत्व किया, 2 दिन से हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि 9 तारीख और 10। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के बीच में दोस्तों, ये आपको सिर्फ गर्व महसूस करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो मेरी आपसे विनती है, जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके वो सारे के सारे क्लियर है करा के जाने वाला। तो जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं क्या है G20, क्या फायदे होने वाले हैं भारत को G20 के, क्यों भारत को कौन देता है अध्यक्षता, G20 का अध्यक्षता कौन देता है, कितने देश शामिल है, पहली बार G20 की बैठक कब हुई थी, क्या होता है G20 और G20 से आने वाले समय में क्या होने वाला है, कितना बड़ा बदलाव होगा भारत के साथ, ये इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपको इस G20 के इस सेशंस के अंदर मैं देकर के जाने वाला हूं। उज्ज्वल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा इसी प्रकार से अपना विशेष कोई ना कोई सेशन आप लोगों के बीच में लेकर के हाजिर रहता है दोस्तों। और हर दिन 8:30 बजे इवनिंग में आपके बीच में करंट जीके की क्लास भी लेकर के और साथ में टॉपिकों की क्लास भी आपके बीच में चलती रहती है। तो जो लोग G20 की जानकारी चाहते हैं, जिन लोगों ने पेपर जो एग्जाम कंपिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, और वो लोग जो देश के ऊपर आन बान शान जो गर्व महसूस करना चाह रहे हैं, अगली 15 से 20 मिनट इस सेशन को स्किप ना करके वो सारी चीजें जानेंगे जो कि आपको जरूरत है, जिन चीजों की आपको आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं G20 की। ये देखिए भारत की आन बान शान किस प्रकार, यानी कि जो एक बॉडी लैंग्वेज है दोस्तों वही ये बता रही है कि क्या क्या कहने वाले हैं, जा रहे हैं G20 में अध्यक्षता ले रहे हैं। और बहुत शानदार बात यह कि कल 9 तारीख को जो हमने डिक्लेरेशन दिल्ली के अंदर जो डिक्लेरेशन दिया गया G20 की तरफ से सर्वसम्मति से पारित किया गया दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज तक बहुत कम ऐसे रेयर केस मिलेंगे जब इतने बड़े डेलीगेशन, इतने बड़े राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष, तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 30-40 जो राष्ट्र से जो मुख्य मुख्य लोग हैं जो जो भारत के अंदर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से G20 के ऊपर जो भारत ने अपने पॉइंट रखे उन पर सर्वसम्मति से मोहर लगा दी है। और ये कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री साहब की और कहीं ना कहीं हमारे देश की और हर उस व्यक्ति की जो दिल से ये महसूस करता है कि मैं भारतीय हूं, बहुत बड़ी जीत है। आने वाले समय में पूरी दुनिया मित्रों भारत की तरफ निहार रही है। अब क्या होगा जब हम बोलते हैं तो सारी दुनिया शांत होती है। देखिए कैसा समय आया हुआ है, इसीलिए बोला जाता है दिन वो था जब हम पर 800 साल लोग राज करके गए, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले हमारे पास जो मुस्लिम जो बाहर से अफगान आए जो लोग थे उन्होंने हम पर राज किया। और अब समय बदल गया, पूरी दुनिया मुंह उठा करके देख रही है कि कब भारत बोलेगा। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं G20 के अंदर, एक परिवार एक फैमिली की बात करते हैं G20 के अंदर, एक प्रोग्रेस की बात करते हैं G20 के अंदर, तो वो सेशन आपके बीच में यहां से शुरू होने वाला। फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप इस सेशन को आखिर तक नहीं देखें तब तक इसे छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसके मैं 3-4 पार्ट्स में वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि G20 क्या है और भारत को अध्यक्षता किसने दी, कैसे मिली, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में रह जाने हैं वो करके जाऊंगा। गर्व करने वाला है तो एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर जरूर करेंगे। मेरी आपसे इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है दोस्तों, बातों ही बातों में मैं आपको बहुत सारी चीजें भी बता के चला गया। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार की पिक्चरें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए दुल्हन की तरह दिल्ली सजी हुई है दोस्तों, दिल्ली सजी हुई है, दिल्ली आपके बीच में शानदार तरीके से सजी हुई है। ये पिके आपको, ये जो तस्वीरें हैं आपको आज न्यूज़पेपर में, आपको पत्रिकाओं में, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर बड़े बड़े उनमें आपको ये इस प्रकार की जो फोटो हैं ये देखने को मिल जाएंगी। और किस प्रकार से मेरा तिरंगा लहरा रहा है दोस्तों, किस प्रकार से इन सारे देशों के बीच में तिरंगा लहरा रहा है, भारत की आन बान शान किस प्रकार से लहरा रही है, आज पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है हमारा। तो उज्ज्वल कोचिंग कैंपस आप लोगों के बीच में इस प्रकार की जानकारी लेकर के आया है, तो उज्ज्वल कोचिंग कैंपस का भी, उज्ज्वल परिवार का भी, और जो लोग देख रहे हैं वो मेरे परिवार में शामिल,
मिले। उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्लास को बढ़ाएंगे, ताकि हर भारतीय को ये गर्व महसूस हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं जितनी भी सारी चीजें आपके बीच में, क्या है G20 जिसकी मेजबानी कर रहा है भारत। क्वेश्चन नंबर वन तुम्हारे दिमाग में आया होगा, आम पब्लिक के दिमाग में बात आती है कि क्या है G20, ऐसा क्यों इतनी दिन से तैयारी हो रही है, क्यों पूरा देश इसको इतनी सीरियस उस तरीके से ले रहा है, क्यों पूरी दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष भारत में आए हैं, तो क्या है G20। देखिए दोस्तों यहां मैं बताता चलूंगा और आप देखते जाएंगे एक एक चीज, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे होगा उससे पहले किल करके जाऊंगा इस सेशन के बाद G20 को लेकर के आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। फिर भी कोशिश रहेगी, अगर कुछ बचेगा तो आपको बताया जाएगा। और किसी मेरे बहन भाई का किसी भी प्रकार का अगर G20 से क्वेश्चन है, कुछ जरूरी नहीं है कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट ही हो, कोई भी कहीं से भी कैसा भी डाउट अगर आप पूछना चाहते हैं तो मित्रों पूछ सकते हैं। फिर एक बार बात बताऊंगा मैं आपको कि जो डिक्लेरेशन पर सर्वसम्मति से कल 9 तारीख को बहुत शानदार दिन रहा, शाम के टाइम राष्ट्रपति साहब ने, राष्ट्रपति साहब के इनविटेशन पर सभी को डिनर दिया गया, या बहुत शानदार बातें हैं। ऋषि सुनक साहब हैं आपके जो ब्रिटेन के, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जो बाइडेन साहब भी हैं वो भी यहां पर पहुंचे, कनाडा के राष्ट्र अध्यक्ष की बात करूं वो भी पहुंचे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपने विदेश मंत्री को भेज रखा, उनकी हम प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा था कमीना चीन जिसका राष्ट्र अध्यक्ष उसे झिल नहीं रही है। कल का जो एक ऐसा प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम को देख के बीजिंग में बैठ के आंसू बहा रहा है, खून के आंसू बहा रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या है G20 जिसकी मेजबानी कर रहा है भारत। ग्रुप ऑफ G20 या G20 देशों की शीर्ष बैठक 9 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, हो चुकी है भाई, कल से स्टार्ट हो चुकी है आपकी। ठीक है, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, ये आपके बीच में है। G20 क्या है, इसका गठन क्यों किया गया है, ये हम यहां पर बात करने वाले हैं। एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, और जितना हो उतनी जानकारी देने की कोशिश करें भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आपके बीच में। ये देखिए अगली स्लाइड क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 20 या G20 देश की शीर्ष बैठक आपके बीच में दिल्ली में आयोजित हो रही है, अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है, ये सारी चीज आपके बीच में हो सकती है। चलिए दोस्तों कैसे तय होता है G20 का अध्यक्ष। अब भारत अध्यक्ष है, तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी कि सर कौन बनाता है इसे अध्यक्ष। सबसे पहले तो पॉइंट यही रेज होता है, हम अध्यक्ष बने ही क्यों, कैसे, कौन, किसके द्वारा इसे, इसका जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति होती है। सीधा डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, देखिए किसके द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, तो इस ग्रुप के सदस्य देश प्रतिवर्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, यानी कि जो इस G20 के अंदर जो सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 20 है, 19 देश है और एक आपका EU है, एक आपका क्या है, यूरोपियन संघ है दोस्तों। 19 देश ही इसके अध्यक्ष रहेंगे आगे पीछे। जिस प्रकार से मैं बात कहूं आपकी यूएनओ की तर्ज पर अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका एक बहुत शानदार आपका आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ, आपके मैं बात करूं पृथ्वी के मुद्दों से जुड़ा हुआ आपका एक संगठन है जिनमें ये बात करता है। इस बार भारत की अध्यक्षता, भारत अध्यक्षता कर रहा है, इसकी अध्यक्षता ट्रॉयका द्वारा निर्धारित तय होती है। किसके द्वारा तय होती है, ट्रॉयका द्वारा तय होती है। इस बार के ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है, यानी कि तीन देशों ट्रोइका द्वारा निर्धारित होती है, और इस बार ट्रोइका यानी कि तीन देश उसके अंदर शामिल होते हैं दोस्तों, याद रखना। तीन देश कौन से, आसान भाषा में अगर आप समझोगे तो ट्रोइका में पिछला मेजबान देश होता है और वर्तमान मेजबान देश होता है और अगला मेजबान देश शामिल होते हैं। ट्रोइका में तीन देश आपके शामिल होते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल पीछे कौन था आपका, इंडोनेशिया, अब कौन है भारत, और अगला कहां पर हो रहा है आपका, अध्यक्ष कौन होंगे तो ब्राजील, अगला अध्यक्ष कौन होंगे आपके, ब्राजील। दोस्तों बता के चलूंगा कि कौन सी बैठक है ये भी बता के चलूंगा, पहली बैठक कब हुई ये भी बता के चलूंगा, G20 से जितने जो आपके मुद्दे हैं सारे क्लियर करा के चलूंगा। एक बार जोरदार तरीके से एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे ये, या सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। पिछला मेजबान इंडोनेशिया था जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और वर्तमान में भारत है, अगला आपका कौन होने वाला मित्रों तो ब्राजील। कहां होगी अगली G20 की बैठक, कौन होंगे अध्यक्ष तो ब्राजील के अंदर आपका, याद रखना ये भी आपके बीच में यहां पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपकी हर समस्या का हल देके जाऊंगा, G20 क्या है, इसका गठन कब हुआ,
अब आइए बात ग्रुप ऑफ G20 की बात करते हैं। देखिए ग्रुप ऑफ टू या G20 दुनिया के 19 देशों में से यूरोपियन यूनियन का एक समूह है। बहुत शानदार क्वेश्चन है इसका, यूरोपियन यूनियन का एक समूह है यानी कि 19 देश प्लस आपका यूरोपियन यूनियन जो आपकी राजनीतिक तथा आर्थिक जो संगठन है, आर्थिक मदद करने के लिए जो संगठन है उसकी बात हो रही है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में G20 देशों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? G7 देशों के द्वारा की गई थी। उस समय इसमें 7 देश थे। इसका गठन दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा आपसी सहयोग के लिए किया गया था। G20 सदस्य वैश्विक GDP का लगभग 85%, बहुत बड़ी बात है भाई, 85% वैश्विक, किसकी बात हो रही है? वैश्विक GDP ग्रोथ जो आपकी पे ग्रोथ है उसकी 85% है। वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। कितनी बड़ी बात है। यहीं से दोस्तों जो मेरे एग्जाम वाले स्टूडेंट उनसे पूछा जा सकता है कि G20 में जो प्रतिनिधित्व है GDP का कितना रहेगा आपका, तो GDP की अगर हम बात करें तो 85% को कवर करती है ये। साथ में अगर हम बात करें इसकी आपकी जनसंख्या का, तो 800 करोड़ का 2/3 निकालोगे तो आपके लगभग 600 करोड़ के आसपास जनता जो कि विश्व की है वो इसके अंदर अधीन रहती है। और अगर वैश्विक व्यापार की विश्व के अंदर जो व्यापार होता है उस व्यापार का कितना प्रतिशत भाई आपका 75% की यहां पर है, बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल भी अगर 1% भी अगर आपको लगती है गर्वित करने का समय है, और दोस्तों बहुत शानदार तरीके से आपके बीच में मेहनत करके मैं इस चीज को लेकर के आया हूं और हर बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो इस देश के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं। ठीक है तो चलिए दोस्तों क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे। आज तुम्हें कसम है उसकी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, कम से कम 2 सब्सक्राइब तो आप जो दिल से अगर मानते हैं कि हाँ गुरुजी ने मेहनत करी है, हाँ तुम्हें ये लगता है मेहनत नहीं हुई है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है तो 2 सब्सक्राइब तो आप प्रत्येक स्टूडेंट 2 सब्सक्राइब देके जाएगा। और क्लास को इसका मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि अगले तक वो बात पहुंचे। हम अच्छी अच्छी जानकारी जब आपको देते हैं तो ये चीजें आप तक पहुंचनी लाजमी है और जरूरी भी है। ठीक है ओके, G20 में दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था, G20 के देश कौन है, इसके अंदर कौन कौन से देश है दोस्तों, सीधी सी भाषा में बात करूं मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के अलावा दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी है, क्योंकि हम तो उभरती अर्थव्यवस्था में थे भाई, हम भी शामिल है तो उभरते। ग्रुप ऑफ G20 में 19 देश जिसके अंदर कौन है, अर्जेंटीना है आपका, ऑस्ट्रेलिया है आपका, ब्राजील है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद आपका चीन है, उसके बाद आपका फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है 7वां, 8वां इंडोनेशिया भाई आपका इंडोनेशिया है, 9वां इटली है, जापान है आपका 10वां, कोरिया 11, गणराज्य आपका कोरिया गणराज्य हो गया, मैक्सिको 12 भाई आपका। ठीक है रूस 13 है आपका, सऊदी अरब UAE 14 है मित्रों, दक्षिण अफ्रीका 15 है, तुर्की आपका 16 है, यूनाइटेड आपका किंगडम 17 है यानी कि UK भी इसके अंदर है, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका 18 है और यूरोपियन संघ 19 है। एक कौन सा छूट गया आपका, एक कोई छूट गया है ना, या तो मेरे काउंटिंग में गड़बड़ हुई है या एक छूट गया आपका। तो इसके अंदर कितने देश आपके, 19 देश प्लस आपका यूरोपियन यूनियन है भाई, तो टोटल इसके अंदर कितने आपके 20 देश इसके सदस्य हैं G20 के, जिसके अंदर विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी है, जिसके अंदर आपकी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्लास सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, बहुत प्यारा सेशन है दोस्तों। आप सिर्फ इस बात पर जाएंगे कि आपको बताया क्या जा रहा है, आप इस बात पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि किस स्टेज से बताया जा रहा है। आपको ये लगे कि हाँ बहुत अच्छा स्टेज है तब आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उज्जवल कोचिंग कैंपस। जितनी बड़ी बात होंगी उतनी आपके बीच में खोखले वादे आ सकते हैं, लेकिन जो जमीन से जुड़ा हुआ बंदा, जो आपके बीच से निकला हुआ बंदा, एक बिल्कुल 100% आपको अपनी भाषा में बात बता करके जाएगा जो कि आपके जीवन भर काम आ सकती है। चलिए दोस्तों G20 के गठन का उद्देश्य क्या था, देखिए कोई भी जब संस्था, हमने यहां पर बात करी कि G20 का गठन कब हुआ, G20 की अध्यक्षता, G20 की जो अध्यक्षता उसको तय कौन करता, G20 की बैठक कहां पर हो रही है, G20 की बैठक भारत के अंदर हो रही है प्रगति मैदान दिल्ली मंडपम, बात करूंगा मैं इसकी भी, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ मैं G20 के ऊपर बात कर रहा हूं आपसे। तो किसी भी संगठन का उद्देश्य या कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका गठन वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों का हल निकालने के लिए गठित किया गया है। इसलिए जो यानी कि कोई भी जैसे वन नेशन वन वर्ल्ड वन फैमिली की बात कही गई है प्रधानमंत्री मोदी साहब के
के शब्दों में जो बात थी वो बात शायद ही मैंने मेरी उम्र में नहीं सुनी है। कितनी बड़ी बात है जहां दुनिया के देश आपस में लड़ते हैं, जहां हमारे पड़ोसी देश जल भुन रहे हैं हमें देख करके, लेकिन हम फिर भी प्रेम की बरसात कर रहे हैं। दोस्तों यहां से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, बहुत बड़ी सीख मिलती है वसुदेव कुटुंबकम। वाक्य में कल भारत ने इस बात को साबित कर दिया कि हम वाक्य में वसुदेव कुटुंबकम को चलते हैं, हम हमारी संस्कृति के साथ रहते हैं। एक तरफ जब हम पीछे जब स्वागत कर रहे होते हैं तो कोणार्क मंदिर का हमारे सामने रहता है, एक तरफ जब हम चलते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिमा लगाई जाती है, फोटो लगाई, चीनी लगाई जाती है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बढ़ते रहेंगे। ये गर्व करने के चले मेरा तो पढ़ाते वक्त भी रोम रोम खड़ा है कि मैं एक ऐसे देश का, ऐसे देश में जन्म लिया मैंने, ऐसी नागरिकता मेरे पास है जो उस देश का मैं मूल रूप से निवासी भी हूं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं इसके अंदर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु, जैसे कि आपको पता जलवायु चेंज में क्लाइमेट चेंजमेंट हो रहा है, क्या हम अपनी पृथ्वी को जो आज हमें हमारे बुजुर्गों ने दी है, हम कोशिश कर रहे हैं वैसी पृथ्वी हम आने वाली जनरेशन को दें। जब हमें पृथ्वी मिली थी नीली और हमारे देखते देखते वो पृथ्वी आपकी पीली और अब लाल होनी शुरू हो गई, तो क्या हम इतनी गर्म पृथ्वी देंगे कि आने वाली जनरेशन हमारी जो फसल हम खा रहे हैं वो खाने को ही ना मिले। हाँ, खाने से याद आया, एक लिस्ट दिखाऊंगा आपको कि मैं क्या क्या बनाया गया था इस G20 के गेस्टों के लिए। अरे रोटियां, मिर्च, मोटा अनाज खिलाया गया कि खाओ बाजरे की रोटी, कमाल की बात है यार भाई, मन खुश हो रखा है, ठीक है, शामिल है। साथ ही यह ग्रुप में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक नेतृत्व, प्रमुख जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे उनके आर्थिक नेतृत्व भी करेगा और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। अगर कोई देश गरीब है तो उसकी किस प्रकार से मदद की जाए, विश्व के अंदर आर्थिक मंदी नहीं आए, कोई भी भूखा ना सोए, कुल मिलाकर के सीधी सी बात इसकी यही है भाई। तो इसका उद्देश्य क्लियर हो गया है, अब आगे बात करते हैं। उद्देश्य है मानवता को ही बचाना है, G20 की प्रतिनिधित्व क्षमता क्या, बहुत शानदार क्वेश्चन है। G20 की प्रतिनिधित्व क्षमता अलग से पॉइंट बनाया मैंने, देखिए सदस्य वैश्विक GDP का लगभग 85, व्यापार का लगभग आपका 75%, विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3, और साथ ही G20 दुनिया के पेटेंट का 95% करता है, पेटेंट का 95% प्रतिनिधित्व करता है। सीधा पूछेगा आपसे दुनिया के पेटेंट का कितना प्रतिशत, कमाल की बात है भाई, तो फिर इससे बड़ा क्या रहेगा भाई, तो 95% आपका, अगर मैं बात करूं तो अतिशोक्ति नहीं, और मैं लिखित में भी दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इनका लेकर के चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सेशन को स्किप नहीं करना है, G20 की विधायी शक्तियां क्या है, अब हम बात करेंगे कि जब हमने इतने गुणगान करे G20 के, हमने भारत कितने गुणगान करे, तो G20 के पास शक्तियां क्या है दोस्तों वो देखेंगे। इस ग्रुप का गठन भी यूनाइटेड नेशन की तर्ज पर किया गया था, किसकी, UNO की तर्ज पर किया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद होती है, ताकि अगले वर्ल्ड वॉरों को क्या किया जाए, रोका जा सके। और आसियान की बैठक में एक राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति, जो साम्राज्यवादी, जिसकी नजर हमेशा जमीन पर बनी रहती है कि मैं इसको भी खा दूं, इसको भी खा दूं, लोगों को कर्जा देकर के, देशों को कर्जा देकर के अपने प्रभाव में लाना चाहता, शी जिनपिंग बोलता तीसरे वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, क्या बात है दुनिया, कमाल की बात है भाई, है ना, खत्म कर दिया उसको भाई हमने। इसके पास कोई विधायी शक्ति नहीं है, इस ग्रुप के द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को कोई भी देश कानूनी रूप से मानने के लिए बाध्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका नैतिकता, और यहां पर यानी कि कोई विधायी शक्ति यहां पर नहीं रहता। जिस प्रकार की शक्तियां किसके अंदर आपकी यूनाइटेड नेशन के पास है, वैसी शक्तियां इसके पास है नहीं है। सबने अपनी मर्जी से कल अपना डिक्लेरेशन जो भारत के अंदर जो हमने लिखा था वो सारे के सारे पॉइंट माने सर्वसम्मति, लेकिन यहां के लिए लिए गए फैसले काफी जो ग्रुप के सदस्य अमल करते हैं, यानी कि जो कल सर्वसम्मति से जो फैसले हुए हैं इन पर अमल ग्रुप के जो सदस्य वो अमल करेंगे, यानी कि पीछे जो आपके 193 जो देश है, इन देशों में से अगर हम 19 देशों को छोड़ दें तो बाकी पे हम थोप नहीं सकते हैं, उनकी मर्जी है, अगर वो चाहे तो आ सकते हैं, उनकी मर्जी है दोस्तों, उनको ही तो उभारने के लिए हमने ये मतलब जो विश्व की जो बड़ी शक्तियां थी उन्होंने ये किया था, और आज हम लगाया मैंने, तो इसका मतलब यानी कि आज इस G20 के कर्ता धर्ता हम ही है दोस्तों। तो G20 कैसे काम करता है इसकी भी बात बहुत शानदार है दोस्तों। तो G20 की जब हम काम की बात करते हैं कैसे काम करता है ये देखिए, G20 प्रेसिडेंसी एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन करती है, ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी एक वर्ष के लिए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है, और G20 में दो समानांतर ट्रैक शामिल है आपके, यानी कि जो देश आपका मेजबानी कर रहा है उसकी बात हो रही है, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक यानी कि पैसे की मदद और शेरपा का मतलब क्या होता है, गाइड करना,
शेरपा का मतलब क्या होता है, गाइड करना। जिस प्रकार से हम शेरपाओं की बैठक की बात करते तो नू में हो रही है शेरपाओं की बैठक, ठीक है, वो पहाड़ों से संबंधित नहीं है। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, ओके, जबकि शेरपा वित्त ट्रैक के बाद शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। शेरपा वित्त ट्रैक के बाद यानी कि वित्त ट्रैक का कौन करते हैं आपके, तो जो केंद्रीय जो आपके बैंक हैं, गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा आपके किसका काम करते हैं, वित्त ट्रैक के बाद शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। शेरपा की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है और शेरपा नेपाली भाषा का शेरपा गाइड कहा जाता है, यानी कि किस प्रकार से किसी देश को हमने किस प्रकार से आगे बढ़ाना है वो सारा का सारा गाइड का काम इन्हीं का होता है। तो काम कैसे करता है, दो ट्रैकों पर करता है, इसका वार्षिक एजेंडा होता है और जो आपका बैठक कहां होती है, जो आपका मेजबान देश होता है वहां पर बैठक होती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। G20 की बैठक वर्तमान में प्रगति मैदान के अंदर हो रही है, प्रगति मैदान में, और साथ ही बोल नहीं पाया भाई मैं उस शब्द, ठीक है, ओके, और साथ ही शेरपाओं की बैठक हो रही है आपकी तो नू के अंदर हो रही है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आपका अगला भी आपका G20 का मुख्यालय कहां मित्रों, अभी पूछा कि G20 का मुख्यालय कहां है, तो मित्रों G20 का कहीं पर भी कोई मुख्यालय नहीं होता है। इसके तहत शिखर सम्मेलन का आयोजन सदस्य देशों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, इसका संचालन बिना स्थायी कर्मचारियों के किया जाता है, अध्यक्ष बनने वाला देश पूरे वर्ष होने वाली बैठकों का आयोजन कर रहा है, अध्यक्ष बनने वाला देश पूरे और लगभग 200 के आसपास बैठकें होनी है, लगभग 200 से भी ज्यादा बैठकें, कभी कोई बैठक, एक बड़ा विस्तृत अध्ययन कराऊंगा G20 पर, जो खाली स्टूडेंट के लिए रहेगा, खैर ये आपका सबके लिए है। यहां पर आपको मोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं, लेकिन पूरा का पूरा कि कौन कौन सी बैठक वहां पे कब हुई कैसे हुई, वो कंपटीशन एग्जाम के लिए अलग रहेगा, लेकिन यहां से भी आप लोगों को बड़े लेवल के जो एग्जाम है उनके लिए आपको ये चीजें यहां पर मिल सकती है दोस्तों। तो मुख्यालय कहां पर, इसका कहीं पर भी इसका मुख्यालय नहीं है। अभी कुल कितनी G20 की बैठकें हुई है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो इस ग्रुप का गठन कब हुआ था, 1999 में गठन कब हुआ इसका, 1999 में किया गया। इसके गठन का 24 साल हो चुके हैं, तो 24 बैठकें होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इसकी 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब तक कितने 17 का हुआ है आपका, 5 बार नहीं हुआ। 18वां मौका है जब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारत में, ठीक है। वर्ष 2024 का शिखर सम्मेलन ब्राजील की अध्यक्षता में होगा, आयोजित किया जाएगा, वो कौन सा होगा आपका, 19वां। तो भारत में कौन सा हो रहा है, भारत में 18वां हो रहा है, इससे पहले कितने हो चुके हैं, 17 हो चुके हैं, और होने कितने चाहिए थे आपके, 24 होने चाहिए थे, लेकिन दो साल तो आपके कोरोना वाले लगा सकते हैं, और भी एक आधा कारण कोई ऐसा रहा होगा कि बीच में इनकी बैठकें नहीं हुई G20 वाले, क्योंकि कोई कानून तो है नहीं, बस अपना एक नैतिकता के आधार पर ये विश्व के गरीब देशों को और साथ में क्लाइमेट की बात करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो बैठकें कौन सी बैठक हुई आपकी, 18वां सम्मेलन हो रहा है। चलिए इस बार भारत ने कितने G20 देशों को आमंत्रित किया, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो भारत ने G20 देशों को जब आमंत्रित किया गया, तो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया दोस्तों, ध्यान रखना, जो इंडिया नाम को लेकर के भी कुछ विवाद हो रखा। इस बार भारत ने कितने G20 को आमंत्रित किया गया, हर वर्ष शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा G20 देश कोई भी आमंत्रित किया जाता, किसी भी देश को आमंत्रित किया जा सकता है। भारत ने इस बार अपनी अध्यक्षता के तहत 9 गैर G20 देशों को किया, याद रखना कितने देश, 9 देशों को, भाई जो सदस्य हैं वो तो रहेंगे, इसके अलावा 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। इसमें कौन कौन से हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें आमंत्रित किया, और हो भी क्यों ना, एक भारत जैसी विश्व शक्ति बन ही चुका है भाई मेरी तरफ से, तो मैंने बताया था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ना परखच से उड़ा दिया, अच्छे अच्छों को सोच रहे, जो काम 60 साल में होना था, जो काम 80 साल में होना था, वो काम 6 साल में भारत की सरकार ने करके दिखाया, और देख सकते हो आप रूम रूम खड़ा कि कहां 80 साल, यानी कि जो चीज आज हम देख रहे हैं वो 80 साल बाद देखने को मिलती, कमाल की बात है, वो समय को पहले ले आए, क्या बात है भाई, है ना, कितना क्या कुछ, ये है 18 घंटा मेहनत। तुम भी दोस्तों मेहनत कर लो, इसीलिए बोलता हूं कि जो देश कभी गुलाम होता था, हम गुलामी की उन चीजों को खत्म कर दे रहे हैं, वो देश आज पूरी दुनिया उसकी तरफ निगाहें उठा करके देख रही है। इसीलिए बोला गया किसी ने, समय बलवान होत है नहीं होत इंसान, वन में लूटी गोपी का वही अर्जुन वही बाण। दोस्तों ये बात हमारे आज से जो पुराने ग्रंथ महाभारत है, वो महाभारत, उस महाभारत के अंदर अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया गया था, तब की बात है ये, गीता के बाद जब घटनाक्रम होता उस समय की बात है, आपको बता देता हूं, जब गीता का उपदेश दिया गया उसी काल की आपकी ये बात है, महाभारत के दौरान ही ये बात कही गई थी, जब अर्जुन को नॉर्मल से वीर हरा देते हैं, ठीक है, ओके। जिन्हें बंग्लादेश, जिनमें कौन है, नंबर 1 बांग्लादेश को इन्वाइट किया हमने,
मिस्टर को इनवाइट किया, दो यूएई को किया, नीदरलैंड को किया, मॉरिशस को किया, नाइजीरिया को किया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन शामिल है इसके अंदर। इन देशों को हमने बुलाया है, ध्यान रखना दोस्तों, इन देशों को हमने निमंत्रित दिया, बाकियों को हमने पाकिस्तान को, अरे भाई पाकिस्तान को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अरे मोदी साहब पाकिस्तान को निमंत्रण मेरी रिक्वेस्ट थी, एक बार तो दे देते, वो इतने खुश हो जाते। अरे भारत देखिए वो अगर वसुदेव कुटुंबकम की बात हुई है तो दुश्मन को तो निमंत्रण पक्का देना चाहिए, चीन तो खैर सदस्य है ही बट हम उसको भी बुला सकते थे, और कुछ नहीं तो जो प्रधानमंत्री या जो उनका विदेश मंत्री जो स्टाफ आता है एक दो दिन का खाना तो ठीक से खा के जाता, ठीक है। चलिए भाई, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम पीएम मोदी की विदेश नीति के प्रमुख टेम्पलेट वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली, वन फैमिली वन फ्यूचर, वन फ्यूचर क्या इसकी इसकी थीम है भाई। बहुत शानदार बात है दोस्तों, कमाल की थीम सोच करके वसुदेव कुटुंबकम, ये भी हमने अपने संस्कृति से ही उठाया है, ठीक है, ये भी हमने हमारे पुराने लोगों से सीखा है, बहुत अच्छी बात है, सीखने को बहुत कुछ होता है दोस्तों, लाइफ टाइम इज लर्निंग प्रोसेस, और बाहर का इतिहास तो हमेशा आपको सिखाता ही रहेगा, और गर्व कर सकते हैं यू आर इंडियन, ठीक है। चलिए ये है भाई आपका प्रगति मैदान के अंदर भारत मंडपम, जहां पर आपके नटराज भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई 18 फीट की 28 टन की, कमाल की बात है दोस्तों। ये था G20 को लेकर के आपके महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत जल्द आपके बीच में मैं लेके आऊंगा कि भारत मंडपम क्या है। अगर आप प्रेम दिखाएंगे, अगर 50 कमेंट्स इस पर आते हैं कि सर हां हमें एक बार भारत मंडपम, इसका नाम मंडपम ही क्यों रखा गया, भारत मंडपम ही क्यों कहा गया, सूर्य कोणार्क की फोटो क्यों लगाई गई, नालंदा की तस्वीर क्यों लगाई गई, और हमारे देसी खाने वहां पे बाजरे की रोटी क्यों रखी गई, ग्वार की रोटी क्यों रखी गई वहां पे, मिलेट्स क्यों रखे गए, मोटा अनाज का प्रदर्शन क्यों किया गया, और वहां पर योगा करते हुए जो ऋषि मुनि है उनकी फोटो क्यों लगाई, ये सारी की सारी चीजें आपकी मैं समझा के जाऊंगा अगले सेशन में, इफ यू वांट, अगर आप चाहें तो, अगर आप प्रेम दिखाएं तो। चलिए दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा एक बार जरूर बताएंगे मुझे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक एक शब्द के लिए भाई, आप लोगों के बीच में आने के लिए, क्योंकि डर लगता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में आने से डर लगता है कि कहीं कोई गलत बात फिसल ना जाए दोस्तों, लेकिन डर के आगे ही जीत होती है। तो थैंक यू जयंत जयंत, डू द बेस्ट, फिर मिलेंगे दोबारा से एक और भारत की आन बान शान से जुड़ा हुआ सेशन, बहुत जल्द आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सेशन आपकी जो आंखें देख करके चुंघिया जाएंगे दोस्तों कि वाकई में ये चीज है क्या, और रियल में विदाउट ऑथेंटिकेट कोई बात नहीं करता, जल्दी लेकर के आ रहा हूं डिक्लेरेशन कि कौन कौन से पॉइंट और उस पॉइंटों का मतलब क्या है, जिसे पूरी दुनिया के देशों ने क्या माना, सर्वसम्मति से माना गया है, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है भारत के लिए, सारी की सारी चीजें आपके बीच में परोसने वाला हूं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कम से कम 50 कमेंट्स हो और आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू द बेस्ट।